Dear brothers and sisters, as in 2 Samuel 22:31, may the Lord bless you. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरा शमूएल 22 वचन 31 के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दें। The Lord shields all who take refuge in Him. यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपने सब शरणागतों की ढाल है। Here David sings saying, God is my rock in whom I take refuge. यहाँ पर दाऊद कुछ इस तरह से भजन गाता है कि यहोवा जो है वो मेरे लिए चट्टान है, मैं उसमें शरण लेता हूँ। My shield and the horn of my salvation. वही मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सिंह है। He is my stronghold, my refuge and my savior from violent people. You save me. और दुष्टों से तूने मुझे बचाया है और तू जो है मेरे लिए वह शरण स्थान, वह दुर्ग है। David faced King Saul's 3000 man army. दाऊद जो है शाऊल के 3000 सैनिकों की सेना का सामना कर रहा था। But David and his men were very few. लेकिन दाऊद और उसके जो लोग थे वो बहुत ही थोड़े थे। But then the Lord saved him from all these wicked people. लेकिन परमेश्वर ने इन सारे दुष्ट लोगों से उसकी रक्षा की। That was the time David sang about God. और वही समय था जब दाऊद ने परमेश्वर के विषय में एक भजन गाया। As in Psalm 66:12, David sang like this. जैसा कि भजन संहिता 66 वचन 12 में वो ऐसा ही गीत गाता है। You let people ride over our heads. घुड़सवारों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। We went through fire and water. और हम आग और जल से होकर गए। But you brought us to a place of abundance. परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। God personally took care of David and protected him. परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर दाऊद की रक्षा की और उसकी चिंता की। He was really a shield around David. निश्चय ही परमेश्वर उसके चारों तरफ एक ढाल था। Though David's enemies were stronger than him, God delivered him from their hands. जो भी दाऊद के शत्रु उससे कहीं बलवंत थे, तो भी उनके हाथों से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। Dear friend, the Lord will protect you also as a shield to you. मेरे मित्रों, परमेश्वर एक ढाल बनकर के आपको भी छुड़ाएगा। Yes, my friend, the Lord will protect you being a shield around you. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके चारों तरफ ढाल बन करके निश्चय ही आपकी रक्षा करेंगे। Do not be afraid of your enemies. इसलिए अपने शत्रुओं से आप बिल्कुल भी न घबराएं। The Lord's angels were around Jacob when he was afraid of his own brother Esau. हाँ, जब अपने ही भाई ईसाव से याकूब डर रहा था तो यहोवा के दूत उसके भी संग थे। As in Genesis 32:2, जैसा कि हम उत्पत्ति 32 वचन 2 में देखते हैं, He saw millions of angels surrounding him. उसने देखा कि लाखों दूत जो हैं उसको घेरे हुए हैं। So Jacob named that place as Mahanaim. और इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम महनाइम रखा। Yes, dear friend. The Lord's angels are around you. The more than everything, the Lord is also around you to protect you, and He is with you as a shield. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर के दूत आपके चारों तरफ हैं, और उससे बढ़कर के स्वयं परमेश्वर आपको चारों ओर से एक ढाल के रूप में घेरे हुए हैं। What a wonderful thing it is to know that God is with us as a mighty warrior. यह जानना कैसी अद्भुत बात है कि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ एक शूरवीर लड़ाके के समान है। He is like a shield with you to fight for you, my friend. वो स्वयं आपके लिए एक ढाल है मेरे मित्रों, जो आपके लिए खुद लड़ता है। You need not fight your struggle. आपको लड़ना या आपको संघर्ष नहीं करना है। The Lord shields all who take refuge in Him. परमेश्वर हर एक जो उसमें शरण लेता है उसकी ढाल बनते हैं। Do not be afraid. इसलिए आप बिल्कुल भी न डरें। The Lord of heavenly
host is with you. हाँ, हमारा वह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है. Our loving heavenly Father, be with them, Lord, as a mighty, mighty God. हमारे प्रेमी स्वर्ग के पिता, आप इनके साथ एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में रहें. Let not their hearts be discouraged. इनके हृदय जो है वो निराश ना होने पाए. Father, they should not worry about what will happen in their future. और वे इस बात की चिंता ना करें प्रभु जी कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है. Let not the devil or the people of devil put them down. उन्हें दें कि शैतान या उसके लोग उन्हें कदापि नीचे ना करने पाए. Open their eyes to see the wonders of God. परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए आप उनकी आंखों को खोल दें. Surround them as a shield, O God. आप उन्हें एक ढाल की तरह ढांक लें प्रभु जी. Father, and encourage your people, Lord. और अपने लोगों को आप ढाढ़स बंधाएं प्रभु. They may be fighting their cases today. आज हो सकता है वे अपने केस लड़ रहे हैं. Help them, O God. परमेश्वर आप उनकी सहायता करें. Let your people stand still and see the deliverance of God. उन्हें दें कि आपके लोग शांत रहकर परमेश्वर के उद्धार और छुटकारे के कार्य को देखें. They may be fighting for long years. हो सकता है वो अनेक वर्षों से यह संघर्ष करते आ रहे हैं. Give them victory, O God. ओ परमेश्वर आप उन्हें विजय दें. Father, they may be fighting their problems for a long time. हो सकता है लंबे समय से वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे पिताजी. Deliver them today, Lord. आज ही आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु. Let your angels fight for them. उन्हें दें कि आपके स्वर्गदूत उनके लिए लड़ें. Father, let them see miracles happening today. और पिताजी होने दें कि वे आज ही अपने लिए चमत्कारों को होता देखें. Put an end to their problems today. आज ही उनकी समस्याओं को आप खत्म कर दें. Whatever is blocked in their lives. जो भी उनके जीवन में जो भी रुकावट है. Let them be broken in Jesus. यीशु के नाम में वो सारे जो है तोड़ दिए जाएं. Open the doors for them to enter into days of blessings, O God. ओ आशीषों के दिनों में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता करें. Let blessings come into their life. उनके जीवनों में आशीष आ जाए. For all their waiting, let them see miracles. अपने सारे उस इंतजार के बदले वो आपके चमत्कारों को देखें. In Jesus name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. God bless you, friends. मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे.